अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें ये मालूम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमने करना क्या क्या काम है। तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है कि आपने इसको इसका अप्रोक्सीमेट मालूम करना चाह रहे हैं, जो कि आपको वाई और डिफरेंशियल वाई, यानी कि आपको ये दो वैल्यूज चाहिए, एक वाई और एक डिफरेंशियल वाई, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट मालूम कर सकते हैं। तो हम लेट करेंगे, हमारे पास जो गिवन है, लेट वाई इज इक्वल टू, हम इसको एक्स लेट करेंगे। तो इसका मतलब है यहां आपके पास, हमारे पास जो 17 है हम उसको ले सकते हैं इज इक्वल टू 16 प्लस 1। अब सोचना ये कि हम 16 प्लस 1 ही क्यों ले रहे हैं, हम 18 माइनस 1 क्यों नहीं ले सकते, या 15 प्लस 2। 16 इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास ये स्क्वायर रूट एक्स, जो हमारा इंडेक्स 4 है, ताकि हम इसकी पावर 4 बना सके, 2 रेस्ट पावर 4 हमारे पास कट ऑफ हो जाएगा। तो यहां आप देखें, तो आप यहां आपके पास वैल्यू जो बनती हैं, तो एक्स आपके पास क्या बना, 16। तो दूसरी वैल्यू आपके पास जो डी एक्स है, वो आपके पास क्या बनेगी, 17 टोटल है, एक्स हम निकाल चुके हैं 16, तो डी एक्स आपके पास बन गया 1। तो यहां से एक्स आपके पास 16 है और डिफरेंशियल एक्स आपके पास है 1 है। तो अब हम यहां लेट कर चुके हैं, तो हम यहां पर वाई की वैल्यू मालूम करते हैं, तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आती है। तो देखिए, वाई निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1/4। तो यहाँ x आप क्या ले चुके हैं, 16, पावर क्या पड़ी है 1/4। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो 2 रेस्ट टू पावर 4 1/4। तो ये 4 से कैंसल, तो y इज इक्वल टू 2 मिला। इस तरह आपके पास y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए जो कि डिफरेंशियल y है। तो यहीं से आप देखें, तो इसका आप डिफरेंशियल ले लें, नॉट टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ 1, इसको बेशक आप 1 का नाम दे दें, कोई इशू नहीं है। डिफरेंशियल ऑफ वन तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो आपके पास ये वाई है जो कि गिवन आपकी किस तरह आपके पास पड़ी है, वाई इज इक्वल टू डिफरेंशियल वाई, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स पावर 1/4। तो डिफरेंशियल वाई इज इक्वल टू पावर, स्टार्ट में पावर में से एक काम, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो आपके पास ये बन जाता है 1/4 एक्स रेस्ट पावर, तो एलसीएम आपका 4 बनेगा, 4 1 माइनस 4, तो ये बन जाता है आपके पास -3। तो डिफरेंशियल एक्स, तो ये आप लिख सकते हो डिफरेंशियल वाई इज इक्वल टू 1/4 एक्स पावर 3/4 डिफरेंशियल एक्स। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, डिफरेंशियल वाई इज इक्वल टू 1/4 एक्स आपके पास कितना है जी, एक्स आपके पास 16 है, पावर कितनी है जी 3/4, तो डिफरेंशियल एक्स कितना है आपके पास, ये 1 पड़ा है। तो इसको सिंपलीफाई किया जाए, तो 1/4 2 रेस्ट टू पावर 4 पावर 3/4। तो यहां से आपके पास ये 4 से कैंसल, तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/4 × 2^3। तो डिफरेंशियल वाई कितना बना आपके पास, 1/4 × 8, यहां से आपके पास वैल्यू आ गई 32। तो डिफरेंशियल वाई आपके पास क्या मिला, आप डिवाइड कर दें 1/32, तो आपके पास ये बनता है 0.03125। तो देखें, आपने y की वैल्यू 2 और डिफरेंशियल y की वैल्यू भी आपने मालूम कर ली। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, वो आपके पास पड़ा है जी इंडेक्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ 17 अप्रोक्सीमेट y प्लस डिफरेंशियल y। अप्रोक्सीमेट y कितना है आपके पास, 2 है, तो डिफरेंशियल वाई कितना है आपके पास, हमने अभी अभी मालूम किया 0.03125। तो इस तरह आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस
जो कि आपके पास बन गई 2.03125। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू देखिए, इसके अंदर भी सेम अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो आप लेट करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1/5। तो अब देखें यहां भी 31 है, तो 31 को आप क्या ले सकते हैं, हम यहां 31 को ले सकते हैं 32-1। तो इसका मतलब यहां हमारे पास x क्या बनेगा, x हमारे पास 32 है, x हमारे पास क्या बनेगा जी, 32। और हमने जो दूसरी वाली निकालनी है डिफरेंशियल x, वो आपके पास क्या बनेगी जी, 31 -32। तो इस तरह ये वैल्यू बन गई -1 जी। सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x कितना है 32 पावर 1/5, y 2 पावर 5 हम लिख सकते हैं, और ये 5 से 5 कैंसल, तो y इज इक्वल टू 2। हमें एक वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू कितनी मिली जी, 2। अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, कौन सी, डिफरेंशियल y। तो आप लिखेंगे नोटेकिंग डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल आप ले रहे हैं इसी इक्वेशन का, तो डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ x रेस्ट पावर 1/5, तो डिफरेंशियल y पावर स्टार्ट में, पावर में से एक काम डिफरेंशियल x, तो डिफरेंशियल y, तो क्या बनता है 1/5 x रेस्ट पावर, एलसीएम 5 आएगा, 1-5 तो -4 डिफरेंशियल x, तो डिफरेंशियल y इज इक्वल टू 1/5 x रेस्ट पावर 4/5 डिफरेंशियल x। तो हमारे पास x भी पड़ा है और डिफरेंशियल x भी पड़ा है, इनको रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, डिफरेंशियल x हमारे पास -1 है, जबकि x हमारे पास कितना है 32 की पावर 4/5। तो डिफरेंशियल y इज इक्वल टू -1/5, हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5, होल पावर क्या पड़ा है 4/5। तो यहां से आपके पास ये 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाता है, तो डिफरेंशियल y इज इक्वल टू -1/5। अब देखें आपके पास 5 से 5 कैंसल, 2 रेस्ट टू पावर 4, ये आपके पास बनता है 16। तो इस तरह आपके पास ये बन जाएगा -1/80, कितना बनता है जी 1/80। तो ये आपके पास बन गया 0.025। तो डिफरेंशियल y आपके पास बन गया -0.0125। तो देखिए अब हम मालूम करना चाह रहे थे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, तो वो हमारे पास क्या है, 31 पावर 1/5 अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हमारे पास y डिफरेंशियल y, y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकाली थी हमने 2, जबकि डिफरेंशियल y 0.0125। तो इस तरह हमारे पास 31 रेस्ट पावर 1/5 इज अप्रोक्सीमेट 2-0.0125, जो कि हमारे पास वैल्यू बनती है 1.9875। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो बना अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, तो वो हमारे पास है 1.9875। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है 29 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू
30 डिग्री माइनस 1 डिग्री, उसकी वजह यह है कि हमें cos 30 पे वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने 29 को 30 माइनस 1 डिग्री लिखा, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है, x हमारे पास 30 डिग्री है जबकि डिफरेंशियल x जो हमारे पास बनेगा 1 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए, आप 9 चैप्टर जो है क्लास फर्स्ट ईयर, तो उसमें 1 डिग्री की वैल्यू गिवन होती है, आपने मालूम की थी 0.01745, तो ये 1 डिग्री के इक्वल होता है। हमें दो वैल्यू मिल चुकी हैं, डिफरेंशियल x और x, तो 29 डिग्री से हमने 30 माइनस 1 डिग्री बना लिया। तो अब देखिए हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या बन जाता है, लेट y इज इक्वल टू cos x। तो अब हमें दो वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला आपके पास जो भी बनेगा उसके अंदर y भी चाहिए होगा, डिफरेंशियल y भी चाहिए होगा। तो y इज इक्वल टू cos x, कितना है हमारे पास 30 डिग्री है। तो अब cos 30 क्या होता है, वो आपके पास होता है 0.866, 0.866 होता है cos 30, 0.866 है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई y की। अब हम नेक्स्ट वैल्यू मालूम करेंगे, डिफरेंशियल y, तो आप इसका डिफरेंशियल ले लें, आप वन, आप इसको वन का नाम दे दें, तो डिफरेंशियल y इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ cos x, तो क्या बन जाता है, डिफरेंशियल y माइनस साइन x, डिफरेंशियल x, तो डिफरेंशियल y माइनस साइन x हमारा कितना है जी 30 डिग्री है, और डिफरेंशियल x कितना है हमारे पास 1 डिग्री, जो कि हमारे पास 0.0, उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लें 0.01745, या फिर आप इसको उसी तरह लिख लें कि डिफरेंशियल x आपके पास जो है 1 डिग्री, तो वैल्यूज रिप्लेस कर दें, माइनस साइन 30, साइन 30 आपके पास होता है 0.5 जबकि 1 डिग्री होता है आपके पास 0.01745। अब ये भी देखना है कि ये हमारे पास नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस का है, तो माइनस यहां पर भी आएगा, तो इसी तरह हम यहां पर भी क्या लगाएंगे माइनस, तो डिफरेंशियल y की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस 0.5 मल्टीप्लाई माइनस 0.01745, जो कि आपके पास वैल्यू आती है 0.0087, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डिफरेंशियल y की वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस cos 29, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, जी y आपके पास कितना है जी 0.866 प्लस 0.0087, तो इनको ऐड कर दें, 0.866 प्लस 0.0087, जो कि आपके पास रिजल्ट बनता है cos 29, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 0.8747, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई cos 29 डिग्री। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, साइन 61, तो आप यहां पर ले सकते हैं 61 को 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, यहां से आपके पास x क्या बन गया 60 डिग्री और डिफरेंशियल x क्या बन गया 1 डिग्री, तो आपके पास ये x की वैल्यू है और डिफरेंशियल x क्या बन गया 0.01745, तो ये आपके पास डिफरेंशियल x है। तो आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है साइन 61 की, तो आप लेट कर लें कि आपके पास y इज इक्वल टू साइन x बन जाएगा।
अब हम साइन एक्स क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 61 एज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, लिहाजा पूरा फंक्शन जीरो के इक्वल आएगा। हम इसको लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक्स है तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए साइन एक्स हमारे पास 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना होता है 0.866। तो इस तरह हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे डिफरेंशियल वाई की, तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ वन, इसको आप बेशक वन का नाम दे दें, तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ वन, तो डिफरेंशियल ऑफ वाई, तो डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, तो डिफरेंशियल वाई क्या बना, कॉस एक्स डिफरेंशियल एक्स। तो यहां पर हमारे पास दोनों वैल्यूज पड़ी हैं, तो हम रिप्लेस करते हैं वैल्यूज, कॉस एक्स कितना है हमारे पास 60 डिग्री, और डिफरेंशियल एक्स हमारे पास कितना है जी 1 डिग्री। तो डिफरेंशियल वाई क्या बना हमारे पास, कॉस 60 कितना होता है 0.5, जबकि 1 डिग्री आपके पास 0.01745। तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही आंसर आएगा, वहां नेगेटिव के साथ आ रहा है या पॉजिटिव के साथ आ रहा है, तो 0.0087। तो ये आपके पास सेकंड आंसर है। अब हम मालूम करना चाह रहे हैं डिफरेंशियल ऑफ, सॉरी, अब हम मालूम करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 61 डिग्री। साइन 61 डिग्री अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, y और डिफरेंशियल y, तो इन दोनों की वैल्यूज रिप्लेस की जाएं, तो y आपके पास कितना था 0.866 मल्टीप्लाई विथ 0.0087। तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास साइन 61 डिग्री जो आता है, ऐड करने से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया था 0.8747। तो ये हमारे पास बन गया 8747। तो इस तरह हमारा फाइनल जो अप्रोक्सीमेशन है साइन 61 डिग्री की, वो 0.8747। हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। तो देखिए क्यूब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास क्यूब है, इसके अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास हाइट इसकी एक्स लेंगे, विड्थ भी वही लेंगे और इसकी लेंथ भी हमारे पास एक्स है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, लेट लेंथ ऑफ ईच एज जो है हम इसकी क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, हम इसकी हर साइड की लेंथ जो क्या ले रहे हैं एक्स लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो चेंजेस आ रही है वो इसकी क्या आ रही है जी, वो हमारे पास है जी एक्स, हमारे पास क्या आएगा 5, और डी एक्स जो हमारे पास है वो आएगा 5.02 - 5। तो यहां से डी एक्स क्या बना 0.02 बनता है। तो अब हम नेक्स्ट इसका वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम वी इज इक्वल टू, वॉल्यूम हमारे पास जी लेंथ, विड्थ और इसकी हाइट, ठीक है जी। तो हमारे पास ये तीनों हमने लेट किया हुआ कि एक्स है, एक्स ये विड्थ भी एक्स है और हाइट भी एक्स है, तो ये हमारे पास क्या बन गया एक्स क्यूब। आप यहां पर क्या ले लें इसका डिफरेंशियल, डिफरेंशियल लेने के लिए डिफरेंशियल ऑफ वाई, डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह हमारे पास ये डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम वी
पावर स्टार्ट में, पावर में से एक काम डिफरेंशियल ऑफ एक्स, तो आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दें, एक्स आपके पास कितना है जी 5, और डिफरेंशियल एक्स कितना है 0.02, तो डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम वी 3 × 25 × 0.02 जो कि आपके पास फाइनल रिजल्ट बनता है, वॉल्यूम जो है जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना आंसर आता है कि ये टोटल आपके पास आंसर आ जाता है 1.5 क्यूबिक यूनिट। तो इस तरह आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1.5